अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। सर, इतनी गलियां टूटी हुई है, बाहर इतना गंदा पानी इकट्ठा है, सरकारी हॉस्पिटल भी है, एक मेडिकल कॉम्प्लेक्स भी है, खाने पीने के स्टॉल्स लगे हुए हैं, दुकानें भी हैं, कितनी मुश्किलात है यहाँ पर, किस तरह सारे गुजारा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सारे? इधर बहुत मुश्किल गुजारा कर रहे हैं, इधर रोड में इतने 3 माह से पानी खड़ा हुआ है। ठीक है, मैंने मरियम नवाज ने एक हेल्पलाइन इधर चलाई हुई है, वो उस पर मैंने कंप्लेन की हुई है, उस पर भी मुझे कंप्लेन करते हुए 2 माह हो चुके हुए हैं। अच्छा। 2 माह चुके हुए हैं, उन्होंने दी आपकी कंप्लेन हमने दर्ज कर ली हुई है, आपका ये फंड हम आपको आएगा तो फिर हम आपको वो फंड देंगे। फिर मैंने अगले दिन ये 3-4 दिन हो गए कॉल की है, वो कहते जी पीछे से फंड नहीं आ रहा। अच्छा। वो पीछे से फंड आएगा तो फिर आपसे हम रब्ता करेगा। मैंने कहा ये फिर हम इसका इमरजेंसी कॉल का क्या फ़ायदा है, ये हमारी सुनाई हो ही नहीं रही, 2 माह हो गए मुझे कॉल करते हुए, इस पर क्यों नहीं सुनाई हुई? अब ये देखे बाजार लगा हुआ है, इतना सस्ता बाजार है, अब इधर कोई भी नहीं आ सकता, सिर्फ एक पानी की तरफ से। अब ये हॉस्पिटल है, पीछे मरकजी इमरजेंसी किसी को पड़ जाए पानी से गुजरा ही नहीं जाता, आ ही नहीं सकता। एक मरीज आया उधर ही बाइक पे लेकर आया इमरजेंसी में, वो बाइक वाला अंदर ही गिर गया, और इधर कोई भी पूछने वाला हल्का इधर राना बशर इकबाल का लगता है, उनके पास गए हैं, ये 2 हफ्ते हो गए उनके पास से होके आए हुए, उन्होंने कहा जी हम विजिट करते हैं, अभी तक कोई भी नहीं आया। क्यों इस तरह क्यों है, क्यों नहीं आता कोई पूछने? आता ही कोई नहीं, हम पीछे पीछे जाते हैं, जब वोट लेने हो आते हैं, बाई बाई करके बुलाते हैं, जब हम उनके पीछे जाते हैं वो कहते हैं ठीक है जी हम आ रहे हैं, कोई भी नहीं आता। गंदगी भी हमने देखी है, कूड़ा क्रिकेट जमा हुआ है, ये मतलब मेन रोड है, साफ गुजरने का इलाका है, और ये हालात है यहाँ के। ये देखिए जी, अब ये साथ ही अब रिंग रोड लगता है, 2.5 से 3 किलोमीटर रिंग रोड है, और 2.5 से 3 किलोमीटर मरियम नवाज का घर है। अब उनके इलाके में ये कुछ हो रहा है, बाहर कैसे वो करेंगे सही? हालांकि वो साफ सुथरा पंजाब मुहिम लेके आई थी, लेकर आई है, ठीक है, साफ सुथरा पंजाब, साफ सुथरा बन रहा है, ये देख रहे हैं लोग इसमें से ही तैर रहे हैं और बीच में से गुजर के आ रहे हैं, सारा कुछ ये कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या कहना चाहते हैं आप हुकूमत? कहना चाहता हूँ हुकूमत को, जे अगर उनको ख्याल है तो इधर आके देख लें, ये उनका साफ सुथरा पंजाब बन रहा है, जरा इधर भी ख्याल कर लें, ये ना इससे भी ज्यादा साफ हो जाए। ठीक है।